गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। अलोक, अमित, पल्लवी, रंजीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। हम लोग का स्पेशल क्लास पे मनी और बैंकिंग का हम लोग कल एक जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे हमारे देश में फिस्कल पॉलिसीज कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, मॉनिटरी पॉलिसीज क्या क्या होती है, कैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक मौद्रिक पॉलिसियां बना बना करके हमारे देश में तरलता को कंट्रोल करता है। तो आज हम लोग इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? इमेज क्लियर आ रही है? यस और नो कमेंट कर दीजिएगा एक बार। ठीक है। तो 2-3 मिनट वेट करेंगे। कल हम लोगों ने जो जो चीजें डिस्कशन करी थी उसमें किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताइए। वेरी गुड अमित, आलोक, कल जो हमने चीजें डिस्कस करी थी उसमें किसी प्रकार का डाउट या फिर कहीं पे कोई क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करे हो तो उसके बारे में बताइए। चलिए, तो आज हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, एसएलआर सीएलआर में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो कल हम लोगों ने किस किस प्रकार की मौद्रिक पॉलिसियां देखी थी, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं उसको, फिर आगे बढ़ते हैं उसके। बताइए कल हम लोगों ने कौन कौन से प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह डिस्कस करी थी। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव में क्या क्या देखा था हमने? शिवम वेलकम। क्वालिटेटिव क्या क्या चीजें देखी थी, फटाफट एक रिवाइज कर लेते हैं, जब तक बच्चे जुड़ेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट। तीन थी हमारी कौन सी, गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव। जब हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी होती किसी सेक्टर की तो तीन थी हमारे पास, वेरी गुड। ठीक है, और ये हमारी मल्टीपल थी जिसमें हमारे रेट्स होते हैं नॉर्मली, है ना, जिसमें हमारे नॉर्मली क्या होते हैं, रेट्स होते हैं, जैसे कि सीआरआर हमने कल देखा था, ठीक है, एसएलआर देखा था, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट्स देखे थे। हाँ, रिवर्स रेपो रेट देखा था। विनीत वेलकम। ठीक है, और इसके अलावा क्या देखा था, इसमें बैंक रेट्स देखे थे। ठीक है, हाँ, और फिर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में क्या क्या देखा था, गुणात्मक में क्या क्या देखा था, मॉरल सुएशन देखा था, वेरी गुड आलोक। मॉरल सुएशन के अलावा और क्या देखा था, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट्स देखा था, और क्या देखा था, मिनिमम मार्जिन लाइन देखा था। हाँ ठीक है, कल हम लोगों ने इसको तो डिटेल में डिस्कशन कर लिया था, इस वाले टॉपिक पे अपना डिटेल में डिस्कशन हो ही गया था, आज हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा और क्या बच रहा है यहाँ पर, इसके अलावा कुछ और बच रहा है मेजर कि नहीं बच रहा है, बताइए। इसके अलावा यहाँ पर हमारा कोई मेजर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, यस और नो? मेजर क्वालिटेटिव कोई बच रहा है कि नहीं बच रहा है? मीनाक्षी वेलकम। नहीं बच रहा है? अरे बच रहा है, अभी कौन सा बच रहा है? गौरव वेलकम। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भूल गए? आज ये लाइनिंग वाला आप लोग को कैसा लग रहा है थीम? आज एन अकेडमी में आज ही इंट्रोड्यूस हुआ है लाइनिंग वाला थीम, आपके बैकग्राउंड में थीम जो है लाइनिंग वाला आ रहा है ना? अच्छा, क्वालिटेटिव मैंने बोल दिया था, ओके सॉरी सॉरी। हाँ, इसमें हमारा ये भी बच रहा है, इसमें हमारा ये भी बच रहा है, वेरी गुड अमित। एमएसएफ भी बच रहा है, एमएसएफ क्या होता है कोई बता सकता है बच्चा? एमएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? एमएसएफ भी बच रहा है, एमएसएफ क्या है?
हाँ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके, एक एक को चलिए पोस्टमार्टम करके देखते हैं आज हम लोग। क्वांटिटेटिव में सबसे पहला देखते हैं सीआरआर क्या होता है। चलिए सीआरआर में पहले, सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं आज की सीआरआर के बारे में। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, फटाफट एक रिवीजन करते हैं। कोई बताइए सीआरआर क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है सीआरआर की, बताइए। हाँ, कैश रिजर्व रेशियो, वेरी गुड। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कैश रिजर्व, जैसे नाम है इसका, कैश को रिजर्व रखने के लिए एक रेशियो बनाया गया है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बैंकों में हमारा जो होता है सीआरआर मेंटेन करने की बात करी जाती है, क्या कारण है इसका। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्या कारण है इसका। देखिए कहीं पे भी आप देखते होंगे बैंक में जो पूंजी आती है वो कहां से आती है, जो उसके कस्टमर्स क्या होते हैं बैंक में जमा करते हैं। हाँ, लिक्विडिटी तो देखिए, मतलब लिक्विडिटी तो हमारा क्या है, वो तो हमारी मौद्रिक नीति का पार्ट है, लेकिन बैंक ने बेसिक जो है सीआरआर को मेंटेन करने के पीछे का कारण क्या है। शिवम, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सीआरआर रखने का पीछे का कारण क्या है, इसको हमने बनाया क्यों है, हम इसको घटाते बढ़ाते हैं क्यों, ताकि लिक्विडिटी या तरलता मेंटेन रहे, लेकिन इसको बनाया क्यों गया है। सोनाली वेलकम। हाँ वेरी गुड अमित, अमित ने बिल्कुल सही बात करी। हाँ, बैंक को सिक्योर करने के लिए, पल्लवी बिल्कुल सही, अमित ने जो बात कही बिल्कुल सही कही, ताकि डे टू डे ऑपरेशंस को मेंटेन किया जा सके। इस लाइन से क्या मतलब है, आइए देखते हैं। चलिए कोई मान लीजिए आज मैंने नया ब्रांच खोली है अपनी, एसबीआई की एक नई ब्रांच खोली है मैंने लखनऊ में, तो इसमें हमारे यहाँ दिन में 50 कस्टमर आए। ठीक है, कस्टमर वन जो आया उसने यहाँ पर 50,000 रुपए डिपॉजिट करे, 50,000 रुपीज क्या करे डिपॉजिट करे, अंदर आए। दूसरे ने 25,000 डिपॉजिट करे, तीसरे ने 10,000 डिपॉजिट करे, चौथे ने आकर के 5,000 डिपॉजिट करे। ठीक है, पांचवे ने आकर के फिर 10,000 डिपॉजिट करे। ठीक है, और छठा आया 1 लाख रुपए विड्रॉ करके ले गया। तो आप बता सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में हमारे बैंक के पास कितना फंड बचेगा, बताइए बैंक के पास फंड कितना बचेगा, कैलकुलेट करके बताइए। संदीप वेलकम। जीरो, जीरो हो गया। अब मान लीजिए अगले दिन ये भाई साहब आ जाए कि हमने भैया कल 10,000 रुपए जमा किए हैं, लाओ मेरा पैसा वापस, तो बैंक दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, बताइए। अगले दिन डे टू पर ये भाई साहब आ जाएं, या ये भाई साहब आ जाएं, हमने जो कल जमा किया था पैसा लाइए कहां गया, तो क्या करेंगे। बात समझ में आई। बताइए समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। तो इसीलिए बैंक को हमारा बैंकरप्ट होने के लिए, या फिर हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस, यानी कि डेली इस तरह के जो हमारे खर्चे आ रहे हैं, यानी कि कोई अपना पैसा जमा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसके पास पैसा हमेशा बना रहना चाहिए, किसी कस्टमर को कभी ना नहीं कर सकता है। ठीक, एक केस तो ये हो गया। अब मान लीजिए यहां पर कोई आ जाए, मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। अगर आप किसी बैंक की बात करिए, इस दिन भर में क्या हुआ, इन्होंने जो पैसा जमा कर दिया वो तो अगर बैंक अपने पास रखा रहेगा सॉरी, अगर उसको अपने पास रखा रहेगा तो उसकी अर्निंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बैंक की अर्निंग का मेन सोर्स क्या होता है, कोई भी अगर बैंक है उसका जो सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होता है, लोन्स होते हैं। तो अगर देखिए पहले दिन ही 1 लाख रुपए जमा हुआ, 1 लाख वापस चला गया, तो बैंक के पास बचा बड़ा शून्य, और जिन्होंने जमा किया उनको क्या करना है, सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट भी देना है, तो कहां से देगा बैंक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब की क्यों जरूरत है हमें कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने की, समझ में आई ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या, वो बैंक के पास कुछ ना कुछ पैसा क्या हमेशा ब्लॉक रखा जाता है, ताकि कभी कोई इमरजेंसी केस पड़े या कभी डे टू डे ऑपरेशंस हो तो उसको वो लोग अपने आप रन करा सके। क्लियर है? वरना आप खुद सोचिए, किसी भी बैंक को अगर 1 लाख रुपए मिल रहा है तो तुरंत वो कोशिश क्या करेगा, 10% के हाउसिंग लोन पे चढ़ा दे। ठीक है, तुरंत 10% के हाउसिंग लोन पे चढ़ा देगा, और 10% का यानी कि 10,000 रुपए वो इंटरेस्ट खाएगा, और आपको साल का कितना दे रहा है, 2.4%। यस और नो? तो वो क्या करेगा, पूरा पैसा लोन पे चढ़ा देगा। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए, इन सब चीजों को रोकने के लिए, और जो लोग सेविंग बैंक में सबमिट कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को बचाने के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन रखने की। बात समझ में आई? अब क्या डिफरेंस है दोनों में, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आई कि हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं, कि हम क्यों मेंटेन करना पड़ रहा है? वरना हर बैंक वाला क्या करेगा, पूरा पैसा लोन पे चढ़ा देगा, ब्याज खाएगा उसका। वरना अगर इस तरह के सिचुएशन होता तो बैंक हमेशा हमारे क्या होते, प्रॉफिट्स में नहीं रहते। क्लियर है सोनाली? वंदना आकाश वेलकम, रौनक वेलकम। ठीक है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारा क्या करता है, आरबीआई इस तरह की एक्टिविटीज रखता है, ताकि बैंक का सिस्टम को रोबोस्ट किया जाए, और जिनका पैसा जमा है वो जब भी लेने आ रहे हैं, जब भी निकालने आ रहे हैं, उनका उनको पैसा मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो है सीएलआर या एसएलआर को, हमारा जो है जिसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यश संजय वेलकम। ठीक है, मेंटेन की जाती है। अब ये किस पे मेंटेन करी जाती है, अब अगले दिमाग में आपके सवाल उठ रहा होगा, सर ने कहा इसको मेंटेन तो करना है, तो हमें ये किस पे मेंटेन करना होगा, ये किसका प्रतिशत होगा जिसको हमें मेंटेन करना है? तो कोई बच्चा बता सकता है कि एसएलआर और सीएलआर हम लोग किस पे मेंटेन करते हैं? वेरी गुड शिवम, एनडीटीएल पे, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब यहाँ पे दो भारी भारी शब्द और आ गए, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इस शब्द का क्या मतलब है, कोई बता सकता है कि डिमांड शब्द और टाइम लायबिलिटी, ये दोनों क्या नए शब्द का क्या मतलब है? कोई इसका एग्जाम्पल बता सकता है, क्या है कोई एक हम लोग का ऐसा एग्जाम्पल जो हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। हाँ, डिमांड क्या हो गया, डिमांड्स देखिए, डिमांड लायबिलिटी क्या हुआ, अगर मैंने आपको कोई एक कागज का ऐसा पर्चा दिया जिसको आप दिखा करके किसी से भी कुछ भी डिमांड कर सकते हो, बात समझिए, कागज का ऐसा पर्चा दिया जिसको आप दिखा करके कभी भी किसी से उससे डिमांड कर सकते हो, तो उसको क्या कहते हैं, डिमांड लायबिलिटीज। जैसे हमारे क्या हो गए, चेक हो गए। वेरी गुड अमित, चेक हो गए। सेविंग बैंक नहीं आएगा उसमें, सेविंग बैंक नहीं आएगा। सेविंग बैंक क्या होता है हमारा, ना टाइम लायबिलिटी में आता है ना डिमांड में आएगा। ठीक है, चेकबुक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये सब क्या है, डिमांड लायबिलिटी, कि जब इसको प्रोड्यूस किया जाएगा तब ये क्या होगा हमारा, तब ये आपको कैश किया जाएगा। हाँ, टाइम लायबिलिटी में क्या आ गया, हमारे फिक्स डिपॉजिट आ गए, यानी कि जिसकी मैच्योरिटी एक समय के बाद है। जैसे सपोज मान लीजिए, मैं अगर बैंकर हूं, मेरे पास कोई कस्टमर आ रहा है कि भैया आप मेरा 1 लाख रुपए अपने यहाँ इन्वेस्ट कर लो और मैं 1 साल के बाद लेने आऊंगा, तो मुझे पता है कि ये कस्टमर जो है 1 साल के बाद आएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा करके इंटरेस्ट दे रहा हूँ, यानी कि इसके एक समय के बाद इसकी लायबिलिटी होनी है। क्लियर है? हाँ, फिक्स डिपॉजिट हो गए, आरडीज हो गए, यानी रेकरिंग डिपॉजिट, ये सब क्या होते हैं हमारे, टाइम लायबिलिटीज के पार्ट होते हैं। क्लियर है सबको, दोनों का डिफरेंस समझ में आया, डिमांड लायबिलिटीज और टाइम लायबिलिटीज में क्या डिफरेंस है? कोई बच्चे को अगर ना आए हो, नो लिख दीजिए, बड़ा सा एन लिख दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। देखिए, इकोनॉमी के जब तक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप नहीं पकड़ोगे, तब तक मजा नहीं आता इकोनॉमी में, और ये सब हमारे रोजमर्रा के हमारे से जुड़ी हुई चीजें हैं। वेलकम देव, सबको क्लियर है ना? चलिए, तो ये क्या होता है, दिन भर में किसी भी बैंक खाते, जैसे मान लीजिए हमारी कोई ब्रांच है लखनऊ की, एसबीआई की ब्रांच में, जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल दिखाया था कि 1 लाख रुपए क्या हुए, डिपॉजिट हुए, तो ये क्या है हमारा,
ये हमारे बैंक में डिपॉजिट हुए तो ये क्या हो गया, हमारे एनडीटीएल का पार्ट हो गया। इसमें कुछ लोगों ने एफडी कराई होगी, कुछ लोगों ने अपने खाते में डाला होगा, कुछ लोग चेक लेकर के आए होंगे। तो ऐसे जो भी पैसा दिन भर में कैश जमा होता है वो हमारा किसका पार्ट होता है, एनडीटीएल का पार्ट होता है। क्लियर है? तो उसका कुछ प्रतिशत हमारा सीआरआर और एसएलआर बनता है। देव वेलकम, खुशबू वेलकम। क्लियर है? तो उसका कुछ प्रतिशत हमारा सीएलआर और एसएलआर बनता है। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है करंट में हमारा क्या रेट चल रहा है सीआरआर या एसएलआर का? करंट में जो सीआरआर या एसएलआर है वो क्या रेट चल रहा है? अभी करंट में कितना चल रहा है? अच्छा, नहीं पता। हाँ, सीआरआर हमारा लगभग 3.8 है या 4 के आसपास है शायद, जहां तक है, मैं एग्जैक्टली नहीं है, है ना? सीआरआर जो है हमारा, है ना, लगभग 3.5 या 3.8 या 4 के आसपास है, और एसएलआर 18 के आसपास है, एसएलआर 18% के आसपास है, और सीआरआर जो है हमारा शायद 4% के अप्रोक्सीमेटली, आप मान के चलो। ठीक है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी दिन, जैसे पिछला केस हम देख रहे थे, 1 लाख रुपए जमा हुआ हमारे हमारी ब्रांच में, चार ही है। अच्छा, ठीक शिवम, ठीक है। ये हमारा हर 3 महीने पे घटता बढ़ता रहता है नॉर्मली। आप देखते होंगे टीवी में भी देखते होंगे कि आरबीआई के गवर्नर ने क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दिया या एसएलआर सीएलआर को घटा दिया या बढ़ा दिया। अच्छा, 18.75 एसएलआर, ओके, ठीक है। तो ये समय समय पे क्या करते हैं, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो इस सब पे फैसला लेते हैं और इसको क्या करते हैं, घटाते बढ़ाते रहते हैं, जैसे कि ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो करेंसीज है, यानी कि जो लोगों के हाथ में पैसा है, वो हमारा क्या हो, घटता बढ़ता रहे। क्लियर है? तो ये हमारा घटता बढ़ता रहता है। आप अप्रोक्सीमेट एवरेज वैल्यू मान के चलिए कितना चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी वैल्यूज चेंज होती रहती है इसकी। ठीक है, चलिए। अब जैसे हमारा एक केस था, एसएलआर हमारा क्या है, 4% हम मानते हैं, सॉरी 18%, और सीआरआर को हम मानते हैं 4%। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि बैंक में हमारा कैसे वर्क कर रही है ये चीजें। तो पहले वाले केस पे आते हैं। सपोज मान लीजिए डे वन पे हमारे पास 1 लाख रुपए जमा हुआ, तो बैंक क्या करेगा, 18% तो यानी कि 18,000 रुपए तो एसएलआर में डाल देगा और सीआरआर में डाल देगा 4,000 रुपए। तो टोटल क्या बच रहा है, अब उसके पास सिर्फ कितना बच रहा है, 78,000 रुपए बच रहा है, जिससे वो क्या कर सकता है किसी प्रकार का। शिवम, एसएलआर भी वही उसी टाइप का होता है हमारा, अभी बता, समझ लीजिए सीआरआर एसएलआर दोनों एक ही चीजें हैं बेसिकली। क्लियर है? दोनों लगभग एक चीजें हैं, बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसीलिए दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं अभी। मीरा जी वेलकम। ठीक है, बस उसमें कैसे पैसा बचा के निकाला जाता है वो डिफरेंस है, बाकी दोनों का पर्पस सेम होता है लगभग। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, हमारे जो जो हमारे बैंक अकाउंट होल्डर से उनके पैसे को मतलब सेफ रखने के लिए सरकार करती है, आरबीआई करती है। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या बचा, अब बैंक के पास कितना बच रहा है, 78,000 रुपए बच रहा है, जिसको वो क्या कर सकता है, या तो लोन में चला सकता है, है ना, या तो लोन में चलाएगा या तो उसको क्या करेगा, कहीं इन्वेस्ट कर देगा बैंक। आपने देखा होगा कई बार भी बैंक्स भी क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कई जगहों पर, है ना। तो या तो इन्वेस्ट कर देगा या तो क्या करेगा, इसको लोन पे उठा देगा। तो अब क्या बच रहा है, 22,000 रुपए आपका बच रहा है और आपके 78,000 रुपए से वो अपना प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर है? हाँ, बैंक रेट के अमाउंट को हटा करके, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जनरल पब्लिक पे के लिए लोन पे चला सकता है। ठीक है, अब आप देखिए बात आती है सीएलआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस होता है, जो शिवम ने पूछी। देखिए, दोनों ही हमारे एक ही चीजें हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डिफरेंस क्या आता है, सीआरआर जो होता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए आए हैं तो आपको जो उसका 4% हिस्सा है उसको कहाँ जमा करना होगा, आरबीआई के पास। क्लियर है? उसको आपको आरबीआई के पास जमा करना होगा, यानी कि वो पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, उस पर आपका हक नहीं है, वो जाएगा आरबीआई के पास। कैसे जाएगा अभी बताते हैं। और जो ये 18% है ये किसके पास रहेगा, संदीप जी तो जानते ही होंगे, संदीप जी तो बैंक में ही है, क्यों संदीप जी, है ना, ये किसके पास रहेगा, सेल्फ के पास, यानी कि अगर मैं खुद बैंक हूं तो मेरे पास ही पैसा वो रहेगा।
अब वो मेरे पास रहेगा तो मैं उसको कहीं खर्च ना कर दूं, उसके लिए भी आरबीआई ने कुछ प्रावधान रखे हैं कि जैसे अगर सीआरआर में अगर आप आरबीआई के पास इन्वेस्ट करते हैं तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्लियर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकते हो या फिर आरबीआई के पास डायरेक्टली रख सकते हो, क्लियर। इसमें क्या बेनिफिट होता है, इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये इंटरेस्ट इस पे 0% होता है, ठीक। जबकि अगर आप अपने पास रखते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में परचेज करोगे या तो गोल्ड में परचेज करते हो, या तो गोल्ड खरीद सकते हो उसका। तो इसमें क्या फायदा होता है, इसमें आपकी क्या अर्निंग हो जाती है, अगर आप गोल्ड में खरीदते हो तो गोल्ड के क्या है प्राइजेस फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपको एडिशनल प्रॉफिट हो जाता है, क्लियर है। तो ये हमारा इस इन दोनों का मेजर एक बेनिफिट होता है, वो आप अपने पास ही रख सकते हो, ये क्या है आपको आरबीआई के पास रखना होता है, क्लियर है इतना। ठीक है, चलिए ठीक है। और देखिए, अगर अब अभी हमने पहले क्वेश्चन देखा था, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस हो रहा है, देखिए अब देखिए हमारा 4% और 18% है। अब देखिए 78,000 रुपये बच रहा था हमारे पास बैंक के पास, जब हमारा सीआरआर और एसएलआर क्या था, वो इसलिए होता है ना ताकि जो सेफगार्ड करा जा सके शिवम, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि देखिए उस एक तो हमारा पैसा ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सिक्योर भी हो रहा है पैसा जो जिनका जो डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, बैंक के पास भी उसके हाथ में पूंजी रह रही है। अगर आपको एक बात पता होगी, आज से लगभग 10 से 12 साल पहले की बात है, एक बड़ौदा में या सूरत में आईसीआईसीआई बैंक में एक अफवाह उड़ी थी कि वहां पर क्या हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक ने डिफॉल्ट कर दिया है, तो जितने भी उसके खाता धारक थे सब उसके पास पहुंच गए थे अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, और वहां पे क्या हुआ कि वहां पे बैंक के पास कैश ही नहीं बचा, कैश ही नहीं बचा, हाँ ठीक है, उसके पास कैश ही नहीं बचा, तो पब्लिक में पैनिक मच गया कि हमारा पैसा जो जमा था वो हमको बैंक वापस ही नहीं लौटा रहा है। तो इसीलिए बैंकों का जो विश्वास होता है, बैंकों पे जो विश्वास होता है पब्लिक का, उसको बरकरार रखने के लिए आरबीआई जो है इतना ज्यादा रेट रखती है, क्लियर है शिवम। तो ये हमारा बस पब्लिक का फेथ बना रहे। मान लीजिए आप किसी दिन आपके खाते में 500 करोड़ रुपए जमा है, तो बैंक को नहीं पता है ना कि शिवम आज निकालने आ रहे हैं कि कल आ रहे हैं निकालने, ये सुनो। अगर मान लीजिए आपके खाते में 500 करोड़ रुपए जमा है, आप चाहे तो कल ही जाकर के निकाल लो, आप हो सकता है 10 साल बाद निकालो, है ना। तो बैंक बैंक क्या करेगा, आपका पैसा रखे थोड़ी ना बैठा रहेगा ये 500 करोड़ रुपए कि शिवम आज आएंगे या कल आएंगे या परसों आएंगे, पता लगा शिवम आए नहीं, इस पे वो 2.5% ब्याज खा रहे हैं सेविंग बैंक का, तो बैंक ये कहां से देगी, अपनी जेब से तो भरेगी नहीं, है ना। इसलिए क्लियर है, इसलिए हमारा क्या होता है, इस रेट को ऐसा रखा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 1/4 के आसपास पैसा जो है वो बैंक के या आरबीआई के सिस्टम में बना रहे और वो पब्लिक में दोबारा सर्कुलेट ना हो। आप एक चीज सोचो ना कि जो पैसा आप ही का होता है वही बैंक क्या करती, घुमा करके किसी और को दे देती है। 100 का नोट क्या होता है, ये हमारा 200 रुपए के अधिक के बराबर होता है ना संदीप जी, समझ रहे होंगे, है ना। जो 500 रुपए मैंने अपना जमा किया, इसको किसी और को पकड़ा दिया, वो अपना बाइक खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, और पैसा वो मेरा है, उस पे वो ब्याज खा रही है बैंक, है ना। तो ये हमारा चीजें होती हैं, ठीक है। कोई डाउट हो बताइए, इसमें किसी बच्चे को डाउट हो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा सीएलआर एसएलआर होता है, हाँ, बैंक 100 के बदले 150 कमा रहा है, बिल्कुल आलोक। अब देखिए एक केस देखते हैं, इससे आपको जो सीएलआर एसएलआर से कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं उसको देखते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक है, देखिए हमारे पास दो केस थे, एसएलआर का और सीआरआर का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे हाथ में बैंक के पास कैश कितना बच रहा है, बैंक के पास, मैं पहला केस ले रहा हूं जब हमारे पास क्या था, 1 लाख रुपए हमारे पास इन हैंड थे, ठीक है। तो जब हमारा सीआरआर 4% है और ये 18% है, तो बैंक के पास कितना पैसा बच रहा है लोन लोन में देने के लिए, बताइए।
अभी बैंक के पास कितना पैसा बच रहा है? 78,000 रुपए। वेरी गुड अमित, 78,000 रुपीज। अब चलिए, आरबीआई ने कहा कि चलिए एसएलआर सीआरआर को बढ़ा देते हैं, इसको 5% कर देते हैं और इसको कर देते हैं 20%। अब कितना बच रहा है? 75,000 रुपए। वेरी गुड। और देखिए, और बढ़ा देते हैं, 22% कर देते। अब कितना बच रहा है? 72,000 रुपए। वेरी गुड। अब आप एक बात बताइए, जब बैंक 78,000 रुपए लोन पे चला रहा होगा, 78,000 रुपए लोन पे चला रहा होगा, तो उसके खर्चे कहाँ कहाँ जाएंगे? अपने स्टाफ को सैलरी देगा? ये सुनो, ऑफिस ऑफिस को मेंटेन करेगा, प्लस साथ साथ क्या करेगा, जो उसके कस्टमर्स है उनके लिए रिटर्न भी तो जनरेट करेगा। जो उसके कस्टमर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने एफडी एफडी में पैसा लगाया है, तो आपको घर बैठे 7% दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? बाहर से कमाएगा, तभी तो वो 7% आपको देगा। यस और नो? तो कस्टमर से क्या कर रहा है, रिटर्न भी लेना है उसको। तो अब आप बताइए, जब आपके हाथ में 78,000 रुपए हैं, हाँ इंटरेस्ट, वही मैं कह रहा हूं, कस्टमर्स के लिए रिटर्न बनाने के लिए, शिवम जो है ना, कस्टमर्स को रिटर्न बनाएगा, चाहे आपने सेविंग बैंक में जमा किए हो, चाहे एफडी में करे हो, चाहे किसी में करे हो, तो उसका ब्याज भी तो आपको दे रहा है ना, घर बैठे बैठे बिना काम कराए आपसे, है ना? तो वो कैसे करेगा? इन्हीं सबसे कमाएगा। अब जब उसने ये 78,000 दिए, तो वो क्या जोड़ेगा? अपने स्टाफ की सैलरी जोड़ेगा, ऑफिस मेंटेनेंस जोड़ेगा, तब इसमें निकालेगा कि चलो भैया एक काम करते हैं, इसको 10% पे दे देते हैं, तो साल का हमको 7,800 मिलेगा, तो हमारा ये तीनों खर्चे निकल आएंगे। चलो ठीक है, एक केस हो गया। अब जब सोचिए, जब वो उसको 7,800 रुपए, यानी 7,800 रुपए में उसका साल भर का खर्चा निकल रहा है, जब बताइए हमारा फंड, जब हमारा यहां देखिए फंड, जब आप 75,000 बचा, तो वो क्या करेगा? ज्यादा ब्याज वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा, अपने इस 7,800 को जो एक्सपेंसेस आ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए? अगर किसी महीने आपका मंथली आपके एक्सपेंसेस 10,000 रुपए हैं, अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं, आपके 10,000 रुपए के खर्चे हैं, आप अपने लाइब्रेरी जा रहे हो पढ़ने, किताबें खरीद रहे हो, महेंद्र जी वेलकम, है ना, किताबें खरीद रहे हो, और अपने कोचिंग क्लासेस जाते हो, कोचिंग की फीस, टीचर की फीस, स्कूल की फीस, तो जिस मंथ आपकी सैलरी नहीं आएगी, तो आप क्या करोगे? अपने कहीं ना कहीं से खर्चों को कॉम्प्रोमाइज करोगे कि नहीं करोगे? तो बैंक का क्या रनिंग कॉस्ट अगर 7,800 आ रही है, वो भी कब, जब वो क्या कर रहा है, 78,000 उसके हाथ में है, जब उसके पास क्या आ रहा है, 78,000 रुपए उसके हाथ में है। अब क्या हो रहा है, अब उसके पास से 75,000 रुपए आ रहे हैं, अभी भी वो 10% पे कमाएगा, तो क्या कर रहा है, 300 रुपए अपनी जेब से उसको देने पड़ेंगे अपने स्टाफ को। यस और नो? प्रणाम महेश, कैसे हैं आप? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या हो गया, 3% का लॉस हो गया उसको कि नहीं हो गया? तो वो क्या करेगा, ब्याज दर को क्या करेगा, 11% कर देगा या 12% कर देगा? अगर 11% कर देगा तो उसका काम चल जाएगा, तो क्या लगभग 7,700 रुपए के आसपास उसके पास आ जाएगा। ये सुनो, तो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे रहा है। आइए आइए, लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र, आइए, मोस्ट वेलकम, लखनऊ आप आइएगा तो बिल्कुल मुलाकात करेंगे आपसे, ठीक है? तो क्या हो रहा है, 11% होगा कि नहीं होगा? हाँ, या तो कस्टमर का रिटर्न बढ़ा दें, या तो अपने अपने कंपोनेंट्स को बढ़ा दें। इस केस में क्या हो रहा है हमारा, तो इस केस में क्या हो रहा है कि बैंक्स क्या कर रहे हैं, ब्याज के दरें बढ़ा दे रहे हैं। जब ब्याज की दरें बढ़ा देंगे, तो जब आप कोई भी गाड़ी लेने जाएंगे, जब कोई गाड़ी गाड़ी लेने जा रहे हैं, मकान लेने जा रहे हैं, तो अब क्या देना पड़ रहा है आपको, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो अब क्या होंगे, जो ज्यादा कंज्यूमर होंगे, जो ज्यादा जरूरतमंद कस्टमर होंगे, वही करेगा जाकर के गाड़ी का लोन लेगा। जैसे कार लोन पहले हमारा 10% पे था, जब 11% हो जाएगा, सिर्फ वही जाएगा जो हमारा क्या है, ज्यादा जरूरतमंद है। हाँ शिवम, अगर देखिए कस्टमर का इंटरेस्ट भी कम कर देंगे, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट कौन करेगा, तो फिर उनके पास सर्कुलेशन का पैसा कैसे आएगा? आप एक बात बताइए, अगर आपको सेविंग बैंक में 2.4% मिल रहा है साल का, आप उससे अच्छा आप क्या करोगे, या तो चले जाओगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे, या तो रियल एस्टेट में कर दोगे, तो रियल एस्टेट या इनमें कहीं चले जाओगे, तो बैंक के पास तो अब तो फंड भी नहीं बचेगा, अब तो बैंक के पास फंड भी नहीं बचेगा, तो कैसे इन्वेस्ट करेगा?
अगर हम इंटरेस्ट कस्टमर के रिटर्न को इतना कम कर दें, अगर हम मान लीजिए आपके बेनिफिट को इतना कम कर दें, तो आप क्या करोगे, हमारे पास आओगे ही नहीं। ये सुनो, हाँ तब रिस्क लेना होगा। तो वही, अगर मुझे ही कोई कह दे कि आप बैंक में पैसा रखो और आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, मैं कहूंगा मैं विड्रॉ करके घर पे ना रख लूं, उसी में भैया अपने बिस्तर के नीचे रखूं ताकि सेफ भी रहे, कम से कम बैंक में पैसा डूबने का डर तो नहीं है। ये सुनो, बैंक में आदमी पैसा क्यों रखता है, ताकि उसको क्या कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। तो ये सब भी चीजें देखी जाती है इसमें, है ना शिवम, क्लियर है। तो ये सब भी पैरामीटर्स हमारे अर्थव्यवस्था में मेंटेन किए जाते हैं, ताकि क्या होता है कि पूरा जो अर्थव्यवस्था का चक्र है हमारा इस तरह से चलता है। आप पैसा रख के सो जाइए, बिल्कुल शिवम, है ना। ठीक है महेश जी, आइए, आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। काहे का एग्जाम है आपका? अंजू जी वेलकम, किस चीज का एग्जाम है महेंद्र आपका? जानकीपुरम में पढ़ा सेंटर आपका, अच्छा चलिए आइए, मोस्ट वेलकम है, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर। तो ये सब चीजें हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं कोई भी चीजों में। तो अब आप देखिए, जब क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, जब 72,000 रुपए हमारे पास बच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बैंक और ज्यादा ब्याज चार्ज करेगा, 13% या 14% चार्ज करेगा कस्टमर से। तो लोग क्या करेंगे, अब लोग और भागेंगे बैंक से दूर। अब कोई गाड़ी खरीदना होगा तो कहेगा भैया अब अगले फाइनेंशियल ईयर में लेंगे। सबसे आसान तरीका क्या है, जो उधार लेगा उसी से पैसा वसूलो, है ना, उधार लेना उसी से पैसा वसूलो। तो क्या होगा, जब लोग उधार लेना कम कर देंगे तो मार्केट से क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेरी गुड, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी या तरलता क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगी, हमारा इन्फ्लेशन या महंगाई कम हो जाती है, क्लियर है। इससे क्या हो जाती है, तरलता और इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति दोनों कम हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में बार बार अलग अलग ढंग से पूछा जाता है बच्चों से, क्लियर है। तो आप में से जो बच्चे अभी भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं अवेल किए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, अभी मेरा नया बैच जो है 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच, ठीक है, फाउंडेशन बैच जो इकोनॉमी का है जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, आप लोग उसको अभी से एनरोल कर लीजिए, ताकि क्या है, आपको क्लास की नोटिफिकेशन अभी से मिलती रहे, और शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से आप कोर्सेज को ज्वाइन कर लो, ताकि कोई उसमें डाउट नहीं रहे आपको, और शुरुआत से ही आपकी इकोनॉमी क्या है, मजबूत हो जाए। वैसे बैच तो आपका पहले से ही ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, मेरी जो क्लासेस हैं आपकी 6 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, 6 जनवरी से दिन में 12 बजे से स्टार्ट हो रही है लोअर पीसीएस की फाउंडेशन बैच। तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आप में से कोई बच्चा है जिसको प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेल करना है या प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है शिवम, ठीक है, क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा, जो डाउट है आपका रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जिसको भी अवेल करना हो, इस समय काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जो 8400 वाला सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ेगा 7560 रुपए का, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6300 का पड़ेगा। इसके साथ साथ आप मेरी अगर स्पेशल क्लासेस जो दिन में डेली 1 बजे होती हैं और रात में 8 बजे इकोनॉमी की जो चल रही है, इन दोनों को अटेंड करते हैं, तो हर क्लास के बाद आपको कुछ क्वाइंस मिलते हैं, तो आप उसको भी रिडीम करके इन कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन लेकर 20% मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। तो ये सब्सक्रिप्शन आपको 6800 रुपए का पड़ जाएगा, और ये लगभग आपको 5600 के आसपास पड़ जाएगा। काफी बेनिफिशियल है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसमें आपके देखिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होती है, जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ एक तरह का सोचिए डेमो है। तो इकोनॉमी का पूरा डिटेल कोर्स हमारा जो 6 जनवरी से आएगा, और उसकी क्लासेज जब मंडे से सैटरडे तक रेगुलर चलेंगी, तो इकोनॉमी के आपके पूरी चीजें कवर करा दी जाएंगी उसमें, ठीक है। क्योंकि कोर्सेज क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार किए जाते हैं। मैक्सिमम 10% है शिवम, मैक्सिमम 10% है क्वाइंस का। ऐसा अगर है तो बच्चा फिर कभी वो कर ही नहीं पाएगा, पूरा क्वाइंस ही रिडीम कर लेगा, है ना। तो मैक्सिमम 10% रखा गया इसीलिए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पूरा आपका कंप्लीट क्या है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है, प्लस मेंस की प्रिपरेशन है, प्लस टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। और अगर आपका भगवान करता है मेंस निकल जाता है, तो आपका क्या है, मॉक इंटरव्यू भी कराए जाएंगे। तो सब कुछ कवर हो रहा है आपका इसमें, ठीक है। तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन अवेल करना हो, क्लास के बाद मैसेज कर दीजिएगा, आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन का डिटेल में समझा देंगे, और जो डाउट होगा रिजॉल्व कर देंगे, क्लियर। चलिए चलिए वापस आते हैं इस पे।
तो ये चीज समझ में आई, सीएलआर एसएलआर का डिफरेंस समझ में आया सब बच्चों को कि सीएलआर एसएलआर को घटाने बढ़ाने से हमारा कैसे चीजें क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। निशा वेलकम, प्रशांत वेलकम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हमारा एक और टर्म आता है जो क्वांटिटेटिव के लिए है ना, क्वांटिटेटिव में जो वर्क करता है वो होता है ओएमओ, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नमस्कार प्रशांत, कैसे हैं, बड़े दिनों बाद। आज लगता है हम लोग का टाइमिंग मैच नहीं कर पाता है, क्लास का और आपके ऑफिस के बाद का टाइमिंग है ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी रात की क्लासेस अब शुरू हो जाएंगी है ना। चलिए चलिए बताइए, ओपन मार्केट ऑपरेशन से आप लोग क्या समझते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन जो टर्म है हमारा, ये क्या चीज को दर्शाता है बताइए। किसी बच्चे ने पढ़ा इसके बारे में, सुना है कुछ? थीम अपनी यही रखते हैं, ये थीम सही लग रही है, ये थीम अच्छी लग रही है थोड़ी डार्क सी। हाँ वेरी गुड आलोक। ओपन मार्केट में क्या होता है, जो हमारी सरकार की प्रतिभूतियां होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, उसको हमारा आरबीआई खरीदता है और बेचता है पब्लिक के साथ, ताकि क्या हो, हमारी लिक्विडिटी और तरलता को मेंटेन किया जा सके। नहीं, करेंसी को नहीं बेचते हम, इंटरनेशनल करेंसी को नहीं बेचते हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचते हैं है ना। जी सेक्स जिसको हम लोग कहते हैं, जी सेक कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, यानी कि सरकार की जो प्रतिभूतियां होती है, इसकी बाइंग एंड सेलिंग, इसकी खरीद खरीद और बेच को, ठीक है, इसको हम लोग बेच खरीदते बेचते हैं, जिससे क्या होता है, लिक्विडिटी या तरलता हमारी बाजार में घटती बढ़ती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए ये है हमारा आरबीआई, और यहाँ पे हम लोग हैं पब्लिक। तो जब भी आरबीआई हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही है, तो बदले में क्या मिलेगा आरबीआई को? अगर कोई दुकानदार सामान बेचता है तो उसको उसके बदले या एवज में क्या मिलता है, मनी मिलता है, रुपए मिलता है, पैसा। तो पैसा कहां से कहां जाएगा, पब्लिक की जेब से निकल करके कहां जाएगा, आरबीआई के पास। तो मार्केट में बाजार में क्या हो जाएगा, पैसा हमारा अधिक रहेगा कि कम हो जाएगा, मार्केट में हमारा मनी का जो फ्लो होगा कम हो जाएगा। और इसका अगर विपरीत देखें, इसका अगर हम विपरीत देखें, जब आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई हमारी क्या कर रही है, मार्केट से क्या कर रही है, खरीद रही है। जब आरबीआई क्या कर रही है, मार्केट से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद रही है, तो बदले में लोगों को क्या दे रही है, मोटी रकम दे रही है, तो लोगों के पास पैसा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, मनी की सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जब लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोग उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना, हर्षोल्लास में घूम रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, खूब सामाने खरीद रहे हैं, है ना। पिज्जा हट के बाहर क्या हो रहा है, लाइनें लग रही हैं, पिज्जा वाले दाम बढ़ा रहे हैं, तब भी लोग कह रहे हैं नहीं हम तो खाएंगे, हमारी जेब में तो पैसा है। तो क्या हो रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ेगा। तो जब भी पैसा या मनी के सर्कुलेशन हमारा मार्केट में बढ़ता है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस की मदद से भी आरबीआई क्या करती है, पैसे को मार्केट में डालती है और निकालती है। तो ये जो फिनोमिना होता है सरकार की प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का आरबीआई द्वारा, ठीक है, जिससे वो मुद्रा स्फीति को घटाती बढ़ाती है, उसको हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। समझ में आया, यस और नो है? तो ये बिल्कुल बेसिक सा है हमारा, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें और कोई इतना टेक्निकल चीज है नहीं, है ना। तो जब हमारा क्या कर रही है, आरबीआई बाई कर रही है, तो आरबीआई क्या कर रही है, बदले में रुपीज दे रही है, तो इन्फ्लेशन क्या कर रही है, वो बढ़ा रही है, इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाह रही है। और जब आरबीआई क्या कर रही है, सेल कर रही है, तो रुपीज क्या कर रही है, वापस ले रही है, तो इन्फ्लेशन को क्या कर रही है, घटा रही है ना। हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल सा फंडा, क्लियर है सभी को?
कोई डाउट किसी बच्चे को इसमें? ठीक है, तो ये हमारा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए बहुत बढ़िया, अब हमारा बचता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। हमने सीएलआर एसएलआर देख लिया, हाँ एमएसएफ भी आएंगे, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी पे भी आते हैं, बैंक रेट कल देखा ही था, आज हम लोग देखते हैं अभी रेपो रिवर्स रेपो रेट और एमएसएफ को देखते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं रेपो रिवर्स रेपो रेट से। क्या होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है? हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखिए रेपो रेट में मतलब क्या हुआ, बैंक किससे उधार ले रही है, बैंक उधार ले रही है किससे, आरबीआई से, और रिवर्स में क्या हो रहा है, आरबीआई उधार ले रही है किससे, बैंकों से, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ इसमें क्या हो रहा है, आरबीआई ले रही है, उसमें कौन ले रहा है, बैंक ले रहे हैं। हाँ वो हमारा रिवर्स हो गया, रिवर्स क्या हो गया, उल्टी गंगा बह रही, उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है तो इसको भी क्या करती है, आरबीआई घटाती बढ़ाती है ताकि क्या कर सके, इसको भी हमारी आरबीआई घटाती बढ़ाती ताकि क्या कर सके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। जब बैंकों के पास हमारा क्या होता है, बैंकों के पास पैसे की कमी पड़ती है तो वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म के लिए बैंक आरबीआई के पास जाती है, वहां से क्या करती है, लोन ले लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, और क्या करती है, कस्टमर्स को दे करके अपना क्या प्रॉफिट कमाती है। ठीक है तो वो हमारा क्या कहलाता है, रेपो रेट, और इसका विपरीत क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है इसके बाद एक टर्म आता है मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है, अभी आपको कंफ्यूज करते हैं। चलिए अभी रिवर्स रेपो रेट और मार्जिन स्टैंडिंग जो फैसिलिटी है एमएसएफ है, इसमें कंफ्यूज करते हैं आप लोग को। चलिए ये क्या होता है, हाँ अच्छा 24 घंटे के लिए जो लोन लेते हैं, अभी कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए मैंने आपसे बोल दिया है ना, तो अभी कंफ्यूजन तो करना ही है बच्चों को। बताइए क्या होता है, नहीं पता, देखिए ये भी हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन जो होता है, बैंक जब बैंक को जरूरत होती है तो वो आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेता है, उसको कहते हैं हम लोग मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है अब आप कहेंगे सर आपने तो रेपो रेट के लिए भी यही बताया था, यस और नो, इसीलिए मैंने कहा कंफ्यूज होंगे, अभी आपको करते हैं क्या डिफरेंस है। रेपो रेट में भी हमने यही देखा ना, शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता है जब बैंकों को, तो क्या करता है आरबीआई से जाकर के पैसा मांगता है, आरबीआई उसको पैसा दे देती है, उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी पे मैंने शॉर्ट टर्म की बात करी है, नहीं 90 दिन और वो सब अलग चीजें हैं, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, नहीं इंटरेस्ट रेट का भी तो डिफरेंस होता है, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या होता है, सबसे मूलभूत सिद्धांत क्या है। देखिए जब भी आप रेपो रेट के थ्रू बैंक से लोन लेंगे तो आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को गिरवी रखना पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई या फिर ट्रेजरी बिल्स को गिरवी रखना पड़ता है। तो जब भी बैंक उधार मांगेगी आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए और कोई चीजों को गिरवी रखेगी, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल को रखेगी, तब वो रेपो रेट के थ्रू लेती है। जब उसको 10 दिन 15 दिन के लिए चाहिए विदाउट एनी कोलेटरल, है ना, विदाउट कोलेटरल, तो वो क्या करती है, एमएसएफ के थ्रू लेती है, तभी इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता है। समझ में आया, प्रभात वेलकम गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। देखिए आलोक मैंने आपसे कहा कि आपको मैं लोन दे रहा हूं, आपने कहा सर मुझे 1 लाख रुपए का उधार चाहिए, तो मैं कहूंगा भैया कुछ चीज गिरवी ले आओ,
तो हम तुमको 2% के ब्याज पे दे देंगे। तुम कहोगे सर हम गिरवी नहीं रख सकते, तो हम कहेंगे भैया तुम डिफॉल्ट कर दोगे तब, तो हम कहेंगे हम तुमसे तब 5% वसूलेंगे। तो इस यही हमारा क्या है MSF है और क्या है RR है, यानी कि रिवर्स रेपो रेट में बैंक जब उधार लेने जाता है RBI से तो उसको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखना पड़ता है, ठीक। और MSF में क्या होता है, कोई भी कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। हाँ रिस्क तो कम हो जाता है रौनक, लेकिन इसके दूसरा एक पर्पस होता है, बताएंगे अभी अभी वेलकम, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी क्या है गिरवी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। मेजर डिफरेंस ये है, ठीक है। तभी एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला माना जाता है, रिवर्स रेपो रेट जो होता है उससे 1 माइनस जो होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट होता है। लेकिन अब ये फॉर्मूला नहीं वर्क करता है, और MSF जो होता है इसका 1+ होता है, MSF जो होता है हमारा रेपो रेट का +1 होता है, ठीक है। अब ये फॉलो नहीं होता, लेकिन पहले ही कन्वेंशन वर्क करता था हमारा। मनीषा वेलकम, ठीक है। मैं यह साफ लिख दे रहा हूँ, देखिए साफ साफ लिख लीजिए, यानी कि मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर रेपो रेट में अगर हम 1% जोड़ दें तो हमारा मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी निकल आती है, और रेपो रेट से अगर 1 माइनस कर दें तो हमारा रिवर्स रेपो रेट निकल आता है। ये जनरल कन्वेंशन हमारा फॉलो होता था पहले, लेकिन आजकल अब RBI इसको फॉलो नहीं कर रहा है गाइडलाइंस को, ठीक है ना। मतलब उन्होंने नॉर्मल अपना यूज कर रहे हैं, इसको नहीं यूज कर रहे कन्वेंशन को, क्लियर है इतना। चलिए बहुत बढ़िया, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी में और RR में, जो मैंने कहा था कंफ्यूजन करेगा आप लोग को। जो बच्चे लेट से जुड़े हैं उनको बता देते हैं, आप लोग अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, साथ ही साथ मेरी स्पेशल क्लाइमिंग क्लासेस की टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। दिन में 1 बजे रहती है करंट अफेयर्स की, और रात में 8 बजे इकोनॉमी की रहती है, ठीक है। तो इन टाइमिंग्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी बच्चे नए जुड़े हों। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ सबको। अच्छा कोई बता सकता है ये मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी का जो हमारा ये फॉर्मूला है ये कब से लागू हुआ था हमारे देश में, या RBI कब से चलन में इस्तेमाल करना शुरू किया है? जो MSF है इसका आविष्कार हमारा कब से हुआ है, क्या RBI जब से बना था तभी से है, या अभी कोई रिसेंट हमारा इसको लाया गया है? देखिए TCS वाले ये सवाल बहुत पूछते हैं। हाँ रौनक आप लगभग क्लोज हैं, ये हमारा हाँ 2011 से आया है, वेरी गुड प्रभात, वेरी वेरी गुड, 2011 से आया है, ठीक है। और वही अगर रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट का सिस्टम कब से आया है बताइए, रेपो रेट का सिस्टम हमारा कब से आया है? कहना चाह रहे हैं? नहीं प्रभात, 1993 से नहीं, ये काफी पुराना है। नहीं, फॉर्मेशन तो बाद में हुआ था, लेकिन उससे पहले भी जो हमारे सेंट्रल बैंक्स होते थे उनके लिए भी ये फॉर्मूला चलता था। तो 1922 से हमारा भारत में ये चल रहा है, ठीक है, 1922 से हमारा चल रहा है, ठीक है। उसका गठन तो फॉर्मली आपको पता ही है बाद में हुआ है, लेकिन 1922 से जो हमारा सेंट्रल बैंक था वो इसको मेंटेन रखता था। ऑफिशियली ये टूल जो है हमारे सेंट्रल बैंक के पास 1922 से आया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो अच्छा कोई बच्चा बता सकता है रेपो रेट को घटाने बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि RBI अगर रेपो रेट बढ़ा रहा है तो कैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है या बढ़ रहा है? ये क्लियर है ना सबको, इन सारे पैरामीटर्स का चीजें क्लियर है कि नहीं है? इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमारा एक इंपॉर्टेंट टूल और बचता है, कहां गया हमारा, हाँ
रेपो रेट हो गया, हाँ लगभग सारा कवर हो गया। तो ये क्या है हमारी ये पॉलिसियां किस तरह की पॉलिसी कहलाती है? देखिए बैंक रेट शिवम क्या होता है, देखिए आइए बैंक रेट बताते हैं। बैंक रेट अगर किसी बच्चे को पता है तो कमेंट करिएगा। हाँ ये हमारी मौद्रिक पॉलिसी है, वेरी गुड अलमित, मॉनेटरी पॉलिसीज है। बैंक रेट कोई बच्चा बता सकता है क्या है? वैसे मैंने अपनी प्लस क्लास में डिटेल में इसको बताया पढ़ाया है, लेकिन एक सिंपलेस्ट चीज आपको बता देते हैं। देखिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो एक फिक्स रेट पे आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को बेचता है, ठीक है। तो जो वो रेट होता है चार्ज करता है उसको आप बैंक रेट कह सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 1 करोड़ की कोई हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो वो क्या कर रहा है, बैंक को क्या दे रहा है, उसको 6% रिटर्न के हिसाब से दे रहा है, तो वो क्या है, बैंक रेट है। या कई बार आपने जैसे एफडी आप कभी कराते हो तो उसको क्या होता है, बिफोर टाइम ब्रेक कर लेते हो, बिफोर टाइम ब्रेक कर लेते हो, इनकैश कर लेते हो, एक पेनल्टी लेवी करी जाती है। तो इसी तरह बैंकों के ऊपर भी एक पेनल्टी लेवी करी जाती है जब वो क्या होता है अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकार की प्रतिभूतियों को समय से पहले ब्रेक करती है या उसको इनकैश करती है अपने आप को जरूरत के पैसा निकालने के लिए, तो वो जो रेट होता है उसको हम लोग बैंक रेट चार्ज कहते हैं, ठीक है। कई किताबों में इसका डेफिनेशन गलत दी हुई है, ये वो रेट नहीं है जो आरबीआई बैंक से चार्ज करता है, याद रखिएगा। ये रेट वो होता है जिससे क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजररी बिल्स जब कोई बैंक हमारा आरबीआई के पास जाकर के डिस्काउंट कराता है यानी कि छुड़वाता है समय से पहले, तो वो जो रेट उसको चार्ज करता है उसको बैंक रेट्स कहते हैं। कई बड़ी बड़ी बुक्स में ये डेफिनेशन गलत दी हुई है, क्लियर है, क्लियर है? किसी ने पढ़ा था ये डेफिनेशन कि नहीं पढ़ी थी? किसी बच्चे ने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? आपने पढ़ी है? अच्छा आपने पढ़ी है रौनक, सब लोग आप लोग यही पढ़े होंगे कि बैंक रेट क्या होता है, वो रेट होता है जो क्या होता है आरबीआई चार्ज करता है बैंकों से, है ना, सबने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी आई थिंक, ये सुनो, है ना। तो किस चीज पे चार्ज करेगा आप बताइए, तो आप बुक में जाके देखिएगा, ये मैक्सिमम बुक्स में गलत दिया हुआ, अब आपको ऑफिशियल साइट पे एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी देखिए है इजी, लेकिन कई बुक्स में भी क्या होता है, कई बुक्स में भी गलत दिया रहता है ये सब चीजें, अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, वरना मैंने प्लस क्लास में इसका डिटेल में आप लोग को आरबीआई की साइट से जो ऑफिशियल इसकी जो डेफिनेशन है वहां पे मैंने इसको प्लस में डिटेल में कराया था। चलिए मिलेगी तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा, तो जब भी कोई डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि जब भी जैसे मान लीजिए आपने कोई 1 लाख रुपए की एफडी कराई, ठीक है, आप 1 साल के बाद अगर उसको इनकैश करा रहे हैं और 10% पे है तो आपको कितना पैसा मिलेगा बताइए। अगर मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एफडी कोई कराई और 10% आपको ब्याज मिल रहा है तो कितना पैसा मिलेगा 1 साल के बाद, 1,10,000 मिलेगा, स्वाभाविक बात है ना, 1.1 लाख मिलेगा, ठीक। अब आप 11वें महीने पहुंच जाइए, 11वें महीने पहुंच जाइए और कहिए सर हमको 1,10,000 की जगह 1,09,000 दे दीजिए, तो क्या हो रहा है, तो ऐसे तो क्या होगा, हर आदमी पहुंच जाएगा वहां जाकर के बैंकों के पास पहले इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। तो क्या होता है, एक रेट रखा जाता है उसको हम लोग बैंक रेट कहते हैं। तो कि अगर आप अपने समय से पहले उसको डिस्काउंट कराएंगे तो आपको वो लेवी करना पड़ेगा। तो बैंक रेट जो होता है तभी आरबीआई घटाता बढ़ाता है समय समय पर, ताकि अगर उसको बढ़ा रहा है तो बैंक जल्दी से अपने इनकैश कराने ना आए, और जब घटा देता है तो बैंक क्या करते हैं, वो अपना पैसा हार्ड छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, आरबीआई पास दौड़ जाते हैं कि हमारी जी सेक्स को क्या करिए आप, इनको इनकैश कर दीजिए और ये मार्केट में लोन के लिए चला देते हैं, है ना संदीप, यही तो होता है, वो क्या करते हैं फिर लोन में चला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक रेट घटा दिया। तो बैंक रेट से क्या करते हैं, बैंक रेट को तभी आरबीआई क्या करता है, ऊपर नीचे करता रहता है, ताकि क्या हो, बैंक में लालच बना रहे, अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखे रहे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, क्लियर है, ठीक है। तो कई किताबों ने क्या शॉर्ट में बच्चों को टिकाने के लिए ये बता देते हैं कि वो रेट जो बैंक आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक से चार्ज कर रहा है, तो वो ऐसा डेफिनेशन नहीं है उसकी, ठीक है, ये उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और बताइए
तो यहाँ पे ये क्या, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी खत्म होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, फिजिकल, वो क्या कहते हैं, फिजिकल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय पॉलिसियां, जो कि हमारी कौन बनाता है, जिससे हम लोग महंगाई कम करते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, भारत की सरकार बनाती है। आप इसको पेनल्टी कह, पेनल्टी नहीं कह सकते हैं, बेसिकली पेनल्टी नहीं कह सकते हैं, ये एक तरह का क्या है आपका, ये एक तरह का आपका क्या, एक इसको वो कह सकते हैं ना, आप पेनल्टी नहीं, इसको एक तरह का वो कह सकते हैं, लालच है एक तरह का, ये एक तरह का लालच है, और या फिर आपको रोक रहे हैं, टूल है एक तरह का बेसिकली। देखिए ना, अगर मैं कहूं अगर बैंक रेट हमारा 5% है, इसको समझिए एक ऐसे एग्जाम्पल से, 5% है, तो आपने कहा कि सर हमको 1,10,000 रुपए मिल रहा है, 1,10,000 रुपए मिल रहा है, एक मिनट रुकिएगा सर, क्लास चल रही थी, 5 मिनट में कर रहा हूँ, खत्म हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5% चार्ज हो रहा है, 5%, 5% हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि हमको 10,000 रुपए ब्याज जो मिलना था, इसका 5% कितना हो गया, 500 रुपए मात्र कटेगा आपका, तो आप क्या करोगे कि 9,500 मिल रहा, लाओ इन कैश कर लेते हैं, और वही इसको 7.5% कर दिया, वेलकम विपिन सर, तुरंत फोन काटा, क्लास में आ गए, चलिए वेलकम विपिन सर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आरबीआई क्या कर रहा है, 7.5% कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अब बैंकों से कितना पैसा कट रहा है, अब कितना मिल रहा है, 5,250, 9,250 रुपए। तो क्या हो रहा है, अब बैंकों के हाथ में क्या आ रहा है, ब्याज कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों विपिन सर का जरा वेलकम कर दीजिए, विपिन सर अपने क्लास में आए हुए हैं, क्लियर है, सबको समझ में आया, बैंक रेट का कैसे यूज करके क्या कर रहे हैं, बैंक रेट का इस्तेमाल करके कैसे क्या कर रहे हैं, हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हाल है विपिन सर आपके, समझ रहे हैं, तो ये बैंक क्या कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक रेट को कैसे कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो बैंकों के पास क्या बच रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो होल्ड करती है, अगर वो बढ़ा देता है, अगर वो कम कर देता है, तो वो इनकैश करा लेती है, और इनकैश करा लेगी तो क्या होगा, उससे हमारा, उससे उसके पास पैसा आ जाएगा, वो मार्केट में उतार देगा, ये सुनो, समझ में आया, तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारा एक तरह का क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल क्लियर, हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है ना, तो इससे क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तो जब हमारा 7.5% या 8% कर दिया, तो पैसा जो ब्याज मिलना था 10,000 रुपए, वो क्या हो गया, वो घट करके 9,000 आ जाएगा, या 8,500 आ जाएगा, अगर क्या किया 15% कर दिया तो, जबकि इतना जनरली हाई होता नहीं है, लेकिन क्या है, कई बार होता है सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि इन्फ्लेशन बहुत ओवरशूट कर जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं आरबीआई, ये सबको स्टेप लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी पूरी क्या थी, मॉनेटरी पॉलिसी थी, जो कि हमारा क्या, मौद्रिक पॉलिसी जो आरबीआई द्वारा चलाई जाती है, जिससे हमारी मुद्रा स्फीति को, या फिर हमारा क्या है, जो तरलता है, जो तरलता है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसको कंट्रोल किया जा सके, क्लियर है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और कल के सेशन में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, फिजिकल पॉलिसीज को देखेंगे, ठीक है, फिजिकल पॉलिसीज को देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोग अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिए, सुबह 1 बजे जो रहती है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास रहती है स्पेशल पे, और रात में 8 बजे इकोनॉमी की हमारी चल रही है आजकल जनरल डिस्कशन क्लास, ठीक है। ये क्लास देखिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिनका जनवरी में विधानसभा का एग्जाम है, विधानसभा आरओ का जो एग्जाम भर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सोनाली, वेलकम, क्लियर है। तो जो आप लोग को डाउट हो, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्लास में लेकर के आइए, उसको डिस्कस करिए, और जिन बच्चों को भी प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेल करना हो, आप मेरा डिस्काउंट कोड जो मैंने आपको दिखाया निर्मेश, उसको नोट कर लीजिए, उसका इस्तेमाल करिए, और मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर लीजिए उसमें से, ठीक है। और उसके अलावा कोई डाउट आता है तो आप अनअकैडमी ऐप पे जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको, मैं अनअकैडमी की टीम आपको पूरा सहयोग करेगी, जो भी डाउट क्वेरी होगी उसके लिए आपको पूरी सहायता दी जाएगी, ठीक है। और किसी प्रकार का सवाल किसी बच्चे का, ठीक है बेटा, आप क्लास के बाद मैसेज कर लेना, आपको बता देंगे प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे अवेल करना है, ठीक है बेटा, क्लास के बाद आप मैसेज कर लेना, ठीक है, ठीक है, आप ऐप पे जाके मैसेज कर देना, आपको बता देंगे हम, ठीक है, ठीक है। और किसी बच्चे का कोई डाउट,
तो एंड करा जाए क्लास को फ्रेंड्स, तो एंड करते हैं सेशन को यहाँ पर, और मिलते हैं फिर कल दिन में क्लास में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।